ईशोपनिषद के आठवें मंत्र के कवि ही इस शब्द पर हम केंद्रित हैं। आज आपका दिन है, आपको प्रश्न करने थे। मेरे पास दो व्यक्तियों के प्रश्न आए थे। जो आपने व्याख्या करी कि विकर्म में मनुष्य जीव स्वतंत्र है और इसका ईश्वर को भी पता नहीं होता है, इसमें हमको संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो ईश्वर को सब पता है कि कौन क्या कर्म करेगा, कहाँ उसका क्या होने वाला है। वो स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर की सीमा से या उसके जान से बाहर नहीं है, तो इसके लिए हमें संशय का निवारण चाहिए था। और ये व्यापक रूप से हमारी मान्यता है कि हम ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं। हम जो भी कुछ करेंगे, जहाँ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, भविष्य का भी, वो ईश्वर जानता है क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, किसको क्या हानि होने वाली है, किसको क्या लाभ होने वाला है, ये सब ज्यों का त्यों ईश्वर जानता है। ये मान्यता बड़ी व्यापक है और एक अंश तक ये मान्यता ठीक है और कुछ अंशों में ये ठीक नहीं है। इसी बिंदु को आपके सामने पहले रखा था। हमें ये मान के चलना चाहिए कि जितने भी सिद्धांत हैं उनमें परस्पर संगति होनी आवश्यक है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर एक विषय, एक मान्यता सिद्ध हो गई है और फिर यदि कोई दूसरी मान्यता आती है तो उनकी परस्पर संगति होनी चाहिए। यदि परस्पर विरोधी हैं तो दोनों ठीक नहीं हो सकती। या तो पिछली मान्यता ठीक है तो तदनुसार हमको नई मान्यता को बदलना होगा, और यदि नई मान्यता ठीक है और पिछली मान्यता से विरोध आ रहा है तो हमें अपनी पिछली मान्यता बदलनी होती है। बिल्कुल यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विषय में भी हमको लगाना होता है। एक तरफ हम ये मानते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, इससे आप सहमत होंगे, पूरी तरह सहमत होंगे। यदि कर्म करने की स्वतंत्रता न रहे तो फिर कर्मफल व्यवस्था भी नहीं बन सकती। एक सिद्धांत हमने मान लिया, अटल सिद्धांत मान लिया। अब दूसरा सिद्धांत हम मान रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य की, भविष्य की सारी क्रियाओं को जानता है, जो भी वो करेगा। ईश्वर इस रूप में तो जानता है कि इसको मैंने कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है, ये ईश्वर का भी ज्ञान है। और जब कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है तो वो क्या करेगा, इसका ईश्वर को कैसे पता लगेगा। भविष्य में मनुष्य क्या करेगा जब तक कि उसने मन में योजना भी न बनाई हो, ईश्वर को पता नहीं लग सकता। यदि हमने विचार कर लिया आज मैं ऋषि उद्यान जाऊंगा, निश्चय है, तो दूसरे व्यक्ति भले ही ना जान पाए, हमारे मन में बात है, हम तो जानते हैं, तो ईश्वर भी उसी क्षण जान लेता है कि इसने ऋषि उद्यान जाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन जिस समय तक आपने ऋषि उद्यान जाने का निश्चय नहीं किया है, आप संशय में हैं कि मैं ऋषि उद्यान जाऊं अथवा आज फला व्यक्ति के घर पर मिलने जाऊं, आप दोनों विचार कर रहे हैं, दोनों विचार हैं, तो ईश्वर इस समय आपके मन की यथास्थिति जान रहा है कि अभी इनके मन में संशय है। लेकिन ये क्या करेंगे ये ईश्वर भी नहीं जानता। यदि हम ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकारते हुए ये मान लें कि ईश्वर को तो पता है मैं दोनों में से क्या करूंगा, हमारे मन में संशय है अभी, हम विचाराधीन हैं कि मैं ऋषि उद्यान जाऊं या फला व्यक्ति के घर मिलने के लिए जाऊं, हम संशय में हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन इसी स्थिति में हम ये स्वीकार कर लें कि परमात्मा को पता है मैं ऋषि उद्यान जाऊंगा या उस व्यक्ति के घर पर जाऊंगा, तो कोई एक ज्ञान होगा ईश्वर का। जिस पक्ष में हम ईश्वर को भविष्य का वेत्ता सर्वज्ञ मान लें उस पक्ष की बात है। तो या तो ईश्वर ये जानेगा कि हम ऋषि उद्यान आएंगे या किसी व्यक्ति के जाएंगे। मान लीजिए ईश्वर ने का ज्ञान ये है कि ये व्यक्ति ऋषि उद्यान जाएगा, और ऐसे में हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता है और हम ऋषि उद्यान में जाकर के उस व्यक्ति के घर पर चले जाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, ये आप स्वीकार करते हैं? अच्छा,
अब ईश्वर का तो ज्ञान यह है कि हम विशुद्ध ज्ञान जाएंगे और हम चले गए उस व्यक्ति के घर पर, तो ईश्वर का जो ज्ञान था वो झूठा हो जाएगा। ईश्वर का ज्ञान कभी असत्य झूठा नहीं होता। अगर हम विपरीत करें तब भी दोष आएगा, लेकिन यदि आप ये सोचें कि हमारा जो भी निर्णय होने वाला है ईश्वर वही जानता है, जैसा कि आपका अभिप्राय भी है, हमारे मन में भले ही संशय है कि हम जाएं विश्वज्ञान या किसी के मिलने के लिए, लेकिन ईश्वर जानता है कि यह कहाँ जाएगा। इस दृष्टि से देखें, ईश्वर ने चलिए जान लिया है और उस स्थिति में हम वहीं जाएंगे जहां ईश्वर जानता है। यदि हम ईश्वर के ज्ञान के विपरीत कहीं चले जाते हैं तब तो ईश्वर का ज्ञान असत्य होगा, लेकिन आप ये भी स्वीकार नहीं कर सकते कि ईश्वर का ज्ञान असत्य होगा, अर्थात ईश्वर जो जान रहा है वैसा ही होगा, ये पक्ष हमको मानना होगा। ईश्वर को पता है दोनों जगह में से ये किस जगह जाएगा, विश्वज्ञान जाएगा, और यदि ये निश्चित है तभी ईश्वर जान रहा है, और यदि निश्चित हो गया तो फिर हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता कहां रही। तब तो हमारे को विश्वज्ञान जाना था ही, हमको तो जाना ही था हमारे को तो, जब जाना ही था तो फिर ये संशय केवल हमारे मन में है, हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रही। यदि हम मनुष्य की कर्म की स्वतंत्रता मान लेते हैं कि वो कहीं भी जा सकता है तो ईश्वर के ज्ञान में दोष आएगा, अगर ईश्वर ने निश्चय कर लिया है। और यदि ईश्वर ने निश्चय कर लिया है और उसका ज्ञान सत्य ही रहने वाला है, इसको हम पकड़ लेते हैं, तो मनुष्य की कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रहती। किसी भी पक्ष को ले लें तो दूसरी जगह दोष आएगा, लेकिन हमारे को वो सिद्धांत मानना है जिसमें परस्पर विरोध ना आए। तो हमको क्या मानना होता है, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जैसा मैं अब तक समझ पाया हूं, बहुत से लोगों से चर्चा भी हुई है, विचार भी किया है, शास्त्रों के आधार पर जो अंतिम मैं अभी समझ पाया हूं वो आपके सामने रखा। हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो, कोई और नई बात आए तो वो भी स्वीकार की जा सकती है। अब जो पक्ष आपके सामने प्रस्तुत किया, उस दृष्टि से ईश्वर इस बात को जान रहा है ठीक ठीक कि सामने वाले व्यक्ति में संशय है, मैं ऋषि उद्यान जाऊं या मिलने वाले के घर जाऊं, ईश्वर यथावत जान रहा है, लेकिन हम क्या निर्णय करेंगे इसको ईश्वर अभी नहीं जान रहा। जिस क्षण हम निर्णय कर लेंगे कि ऋषि उद्यान ही जाना है, उसी क्षण ईश्वर जान भी लेगा, ये ईश्वर की सर्वज्ञता है। और इसका यह भी तात्पर्य नहीं लेना है कि ईश्वर भविष्य की कोई बात जानता ही नहीं है, भविष्य की बहुत सारी बात हम तक जान लेते हैं तो ईश्वर तो क्यों नहीं जानेगा। ईश्वर कौन सी भविष्य की बातें जानता है, वे बातें जिनका कारण कार्य संबंध होता है, जिनके बीच निश्चय होता है, जो घटनाएं निश्चित हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी दिन हम वृद्ध होंगे, हम भी अन्यों की तरह इस शरीर को छोड़ देंगे, हम भी मर जाएंगे। हम जानते हैं कि शाम होगी, रात्रि होगी, सूर्य डूबेगा, सुबह उगेगा। ईश्वर ऐसी तो बहुत अधिक बातें जानता है, हमारे शरीर में कौन सा रोग आने वाला है हम तो सामान्यतः नहीं जान पाते, चिकित्सक थोड़ी सीमा तक जान लेते हैं, आयुर्वेद में रोगों के लक्षण बताने के साथ साथ उनके पूर्व रूप भी बताए जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जिनसे कि रोग आने वाला होता है, जिससे पता लगे कि ये रोग आने वाला है, चिकित्सक भी एक सीमा तक जानता है। और यदि जो जेनेटिक इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, जो जीन के स्तर पर गुणसूत्रों के स्तर पर रोगी को देख रहे हैं, जैसा कि आज ये विज्ञान बड़ा विकसित हो रहा है, वो बचपन में ही जान लेते हैं इस व्यक्ति का ये जीन खराब है, हृदय से संबंधित खराब है, यकृत से संबंधित खराब है, इसको कैंसर हो सकता है, इसके बाल उड़ सकते हैं या बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, ये सारा का सारा गुण सूत्रों में पहले से है, वो हमको माता पिता से मिलता है और कुछ हम अपने कर्मों से भी बना लेते हैं।
वो भी एक सीमा तक जान लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ जान लेते हैं वो, हम नहीं जान सकते, वो वैज्ञानिक जान लेते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो ऐसी बहुत सारी बातों को जान लेता है। तो ईश्वर भविष्य की भी बहुत अधिक बातें जानता है, सृष्टि में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, सब वो जानता है। लेकिन जहां मनुष्य के कर्म का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया, वहां फिर ईश्वर उसी समय जानता है जब वो क्रिया की जा रही है, अथवा मन में निश्चय होता है कि कोई व्यक्ति डाका डालने का निश्चय करके भी जाए, लेकिन किसी के उपदेश को सुन के उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो भी ईश्वर उसी रूप में जानेगा। इसने पहले डाका डालने का निश्चय किया था, ये गलत कार्य करने जा रहा था, इसको सद्बुद्धि आई, इसने अपने उस गलत निर्णय को परिवर्तित किया, इसको भी ईश्वर ऐसा का ऐसा जानेगा। मैं यहां से उठ करके जाऊंगा, मैं इधर से उठूंगा या इधर से उठूंगा, ये ईश्वर नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ये तो जानता है कि मैं कहां कहां से उठ करके जा सकता हूं, इधर से भी जा सकता हूं, पीछे से भी जा सकता हूं, जितनी संभावनाएं हैं। और ईश्वर ही नहीं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि ये तो बहुत स्थूल बात है। इस तख्त पे बैठा हुआ मैं कहां कहां से उतर के जा सकता हूं, कितनी तरह से उतर सकता हूं, आप विचार करेंगे तो सब आपको पता है। मैं बैठा बैठा भी उतर सकता हूं, मैं खड़ा होकर के फिर उतर सकता हूं, मैं एक पैर नीचे रख के उतर सकता हूं, मैं दोनों पैर सीधा नीचे करके कूद सकता हूं, न जाने कितनी तरह से उतर सकता हूं, आप विचार करेंगे तो सारी संभावनाएं, अधिकांश संभावनाएं हमको पता है। इस दृष्टि से हम भी भविष्य के जानने वाले हैं, लेकिन इन सब संभावनाओं में से कौन सी संभावना घटित होगी, मैं कैसे उतरूंगा, इसको ना तो मनुष्य जानता है और ना ईश्वर जानता है, इसको तो मैं स्वयं भी अभी तक नहीं जानता। जिस समय मैं ये निश्चय कर लूंगा मैं इस तख्त से इस दिशा से उतरूंगा, मेरे को इस तरह से उतरना है, जब मैंने निश्चय किया, इस समय के ज्ञान को ईश्वर ठीक ठीक जान रहा है। हाँ, तो जो विषय आपके सामने रखा था वो तो था, उसके पीछे एक बिंदु और है जो आपके जो मान्यता है उसके कारण से ये प्रश्न आपके मन में है। आपका ये कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से ही कर रहे हैं, ये आपकी मान्यता है, ठीक है। वैसे तो ये विषय मैं सोचता हूँ कई बार आपके सामने यहाँ आया होगा, या आप हो सकता है ना हो। ऐसी मान्यता बड़ी व्यापक धार्मिक क्षेत्र में है और ईश्वर को समर्पित भी किया जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से ही कर रहे हैं। बहुत से भक्त, बहुत से संत इस बात को करते हैं और ये होता भी है, लेकिन ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था में होता है। जो समाधि को प्राप्त हैं वो अपनी हर क्रिया को ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं। अब हम अपने सामान्य स्तर पर हैं, जो कि हम अधिकतर व्यक्ति उसी क्षेत्र में हैं। क्या हमारा हर कर्म ईश्वर की प्रेरणा से है? तो प्रश्न उठेगा इस पे कि जो चोरी कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, देश की गुप्तचरी कर रहा है, जितने भी गलत कार्य हैं, आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ अधर्म कर देता है, गलत विचारता भी है, गलत करता भी है, शरीर से भी, वाणी से भी और मन से तो कह ही नहीं सकते कितना अधर्म प्रतिदिन होता है, और संसार भर के सारे अधर्मों को देख लीजिए। अब सिद्धांत आपका यह है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, तो फिर वही सिद्धांत आड़े आएगा कि हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये आप स्वीकार कर चुके हैं। यदि हमारा हर कर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है तो हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। जैसे कि कठपुतली चलती है, कठपुतली को चलाने वाला तलवार चलाता है, हाथ उठाता है, पानी छिड़कवाता है, कठपुतलियों का खेल आपने देखा होगा बड़ों ने बचपन में, तो उसी तरह से हर ईश्वर की प्रेरणा से हमारा कार्य हो रहा है, तो दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है, हमको ये मानना पड़ेगा। ये मानेंगे तो हमारा जो पिछला सिद्धांत है कर्म करने की स्वतंत्रता का, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे द्वारा जो धर्म और अधर्म की बात की जाती है कि ये धर्म है और ये अधर्म है, ये भी कोई विभाजन ही नहीं रहेगा। फिर तो हर कर्म ईश्वर के द्वारा करवाया जा रहा है तो वो धर्म ही है।
और क्या हम ये मानेंगे ईश्वर अपाप विद्धम है, शुद्धम है, वो इस तरह के गलत कार्य करवाएगा? वो नहीं करवा सकता। ईश आपके मन में एक और बात है कि ईश्वर की प्रेरणा से ही हम करते हैं, क्योंकि आपने एक बात कही थी ईश्वर सर्वज्ञ है, अर्थात सर्वज्ञता का और प्रेरणा का आप संबंध ले रहे हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, तो ईश्वर का ज्ञान भी सब जगह विद्यमान है, तो हमारे को भी उसका ज्ञान मिल रहा होगा और हम उसी के अनुसार करेंगे। यदि ऐसा होता है तो दुनिया में किसी उपदेश की, किसी साधना की, किसी पुलिस की आवश्यकता ही नहीं होती। और मान लीजिए एक पक्ष में हम माने कि ईश्वर की प्रेरणा से सारा हो रहा है, और ऐसा बहुत बड़ा वर्ग मानता है, एक दो व्यक्ति नहीं, अधिकांश धार्मिक ये मानते हैं। इसलिए ईश्वर को ठीक तरह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को गलत समझने से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। यदि ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति ने यदि हमारी जेब काट ली तो हम क्यों दुखी होते हैं? हम क्यों पुलिस थाने में जाकर के अपनी बात रखते हैं? हम उसके प्रति क्यों क्रोध करते हैं? वो कहने वाले कहते हैं ये क्रोध भी ईश्वर ही करवा रहा है। पुलिस थाने क्यों जाते हैं? बोले ये भी ईश्वर ही करवा रहा है, क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है, तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत पहले की बात है, जब आर्योदेश रत्नमाला का प्रकरण आप यहां चल रहा था तो वहां भी ईश्वर के बहुत सारे गुणधर्म महर्षि दयानंद ने पहले ही बिंदु में लिखे हैं, और उसकी चर्चा के समय आपके सामने मैंने ये बात रखी थी, आप संभवतः ना हो उन दिनों, कि ईश्वर क्या क्या नहीं कर सकता, ईश्वर क्या क्या कर सकता है, ये भी हमको बोध होना चाहिए, और ईश्वर क्या क्या नहीं कर सकता। ये कई दिनों के प्रकरण चला था, ब्रह्मचारियों से भी पूछा था, व्यक्तियों से भी पूछा था, कि ईश्वर ये नहीं कर सकता। कहते ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है, ईश्वर चोरी कर सकता है, ईश्वर हत्या कर सकता है, ईश्वर क्रोध कर सकता है, ईश्वर दूसरे का यश ले सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भी अधर्म है। तो यदि हम ये मानते हैं ईश्वर की ही प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर हमको व्यवहार भी वैसा ही करना चाहिए, व्यवहार भी हमारे को वैसा ही करना चाहिए, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ईश्वर दूसरी तरफ हमको वेद में उपदेश देता है कि आप सेना रखिए, आप सुरक्षा बल रखिए, आप गुप्तचर विभाग रखिए। ईश्वर एक तरफ कह रहा है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, औषधियों का सेवन करें, स्वस्थ रहें। हम जो अधिक खा लेते हैं वो भी ईश्वर की प्रेरणा से है, हम मांस खाते हैं ये भी ईश्वर की प्रेरणा से है, शराब पीते हैं ये भी ईश्वर की प्रेरणा से है, तो दूसरी तरफ ईश्वर इन सब से हमको रोकता क्यों है? ईश्वर क्या चाहता है ये वेद से हमको पता लगेगा, ईश्वर का उपदेश वेद से पता लगेगा, ईश्वर का उपदेश सच्चे मन से सृष्टि को देखने से पता लगेगा, सृष्टि के नियमों से पता लगेगा। और तीसरा बिंदु जो हम विचाराधीन कर रख रहे हैं अभी, कि ईश्वर मन में क्या उपदेश देता है इससे पता लगेगा।